दहाड़े हुए युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष ने युवक को उतारा मौत के घाट। शौच के लिए गए युवक पर घात लगाए बैठे लोगों ने चलाई गोली। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरी गांव का है। भैया क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, अवधेश भैया कौन सा गांव है? पिपरी थाना देहात कोतवाली। क्या घटना हुई? घटना क्या हुई? घटना गोली मार दी गई। कौन लोग थे जो मारी गई? हमने बता दिया दरोगा जी। दरोगा बताइए ना। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, हाँ। अब ये धर्मेंद्र बंधु और वीरू सनी मोनू और वो गुन्नू इन्होंने तीन लोग चार लोग सात लोग हैं। क्या दुश्मनी थी? अरे साहब दुश्मनी हमारी कुछ नहीं थी, बस यही तान गाली गलौज करते रहे हैं दारू पी के। अच्छा हाँ, इसी बात पे लेके आज गोली मार दी। हाँ, क्या नाम था इसको? घायल मर गया, खत्म हो गया। पंकज सिंह। पंकज सिंह क्या काम करते थे? अपना खेती किसानी काम कर रहे थे। गांव के लोगों ने मारी है? हाँ, गांव के लोगों ने। यही दुश्मनी थी, गाली दारू पी के गाली गलौज करते थे। हाँ, ये थाना कोतवाली देहात के पिपरी गांव में हम लोग को सूचना मिली कि एक पंकज सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल उस सूचना पे हम लोग यहाँ आए तो जिसे गोली लगी वो मृत हो गए हैं। और यहाँ पर हमारी फील्ड यूनिट भी आ चुकी है, सारे वरिष्ठ अधिकारी आ चुके हैं। पूरे घटनास्थल का मुआयना हम लोगों ने किया है। बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या सर अपराधी पकड़े गए? देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है कि इनका एक डिस्प्यूट था दूसरे व्यक्ति से और इसको बुलाया गया था, वहाँ बुला के इसे मारा गया है। विपक्षी लोग अभी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है और बाकी जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया जा रहा है। सर जानकारी मिली सर कि झगड़ा भी हुआ था कुछ दिन पहले? एक डिस्प्यूट हुआ था इन लोगों के बीच में और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था, थाने के स्तर से उसका समाधान हो गया था, दोनों पक्ष संतुष्ट थे। और अब हम लोग पता कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई है।